हमारा मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है। हम बिल्कुल सच्चाई, वास्तविकता और ऑथेंटिक चीजों को रिसर्च करने के उपरांत ही आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको भूत, प्रेत, अध्यात्म, लौकिक, पिशाच, जिन्न, खबीज, परलौकिक चीजों के बारे में जानकारी देंगे। बहुत सारे लोग इन चीजों के बारे में आधी अधूरी जानकारी रखते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आप देख रहे हैं वैदिक अड्डा और मैं हूं आपके साथ सूरज कुमार सिल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये अध्यात्म या आध्यात्मिक ये है क्या, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। देखिए, अध्यात्म एक रोचक शब्द है। सामान्यतः भक्ति या ईश्वर के संबंधित चर्चा को ही हम अध्यात्म कहते हैं। पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक व्यक्ति भी हम कहते हैं। जो लोग अध्यात्म को जानते हैं वो इस बात को भी जानते हैं कि अध्यात्म है क्या। पूजा पाठ करना ही अध्यात्म बिल्कुल नहीं है। कोई व्यक्ति अगर पूजा पाठ कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक है, उसे हम अध्यात्म नहीं कहेंगे। कोई व्यक्ति बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है तब भी उसे हम आध्यात्मिक या अध्यात्म नहीं कहेंगे। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अध्यात्म का जो मतलब होता है इसे समझना होगा। अध्यात्म दो शब्दों से बना है, एक अध्ययन और दूसरा आत्मा, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना, अर्थात खुद का अध्ययन करना, स्वयं को जानना, खुद के बारे में स्टडी करना। आप कौन है, हम आए हैं, हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, उसका अध्ययन करना ही अध्यात्म है। एक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति ही आध्यात्मिक व्यक्ति है इसका कोई माने बिल्कुल नहीं है। एक ईसाई व्यक्ति भी आध्यात्मिक हो सकता है, एक मुस्लिम भी आध्यात्मिक हो सकता है। क्यों? जब अगर वो व्यक्ति खुद के आत्मा के बारे में जानने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो उस व्यक्ति को हम आध्यात्मिक कहेंगे। वो एक मौलवी भी हो सकता है, एक पादरी भी हो सकता है, एक बौद्ध भिक्षुक भी हो सकता है। ये नहीं कि मैंने रुद्राक्ष के माला धारण कर लिया, मेरे सर पे जो है बालों की जटा है, तो मैं ही आध्यात्मिक हूँ, मैं अध्यात्म का के मार्ग पर चल रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज को अपने मन से आप निकाल दीजिए कि ये अध्यात्म है या वो व्यक्ति आध्यात्मिक है। आत्मा की खोज करने वाला अर्थात आत्मा को जानने वाला, तो आत्मा कहाँ पे है? आत्मा हम सभी के भीतर है, यानी खुद को जानना। मैं कौन हूँ, स्व, ये शब्द है ना कि मैं कौन हूँ, तुम हो कौन, मैं कौन हूँ। तो जो ये मैं है ना, इसको जानने की जो क्रिया होती है ना, यही अध्यात्म है। जो इस चीज को जान लेता है वही हो जाता है आध्यात्मिक। अब देखिए, भगवद गीता की अगर बात करें ना, तो भगवद गीता में भगवान जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को अध्यात्म के बारे में कुछ बताते हैं। तो दोस्तों, सीधा और सरल भाषा में बस इतना जान लीजिए कि स्वयं को जानना या खुद को जानना या फिर अपने आत्मा को जानना, उसके बारे में खोज करना ही अध्यात्म है। कोई व्यक्ति अगर स्वयं को जानने में लग गया कि मैं कौन हूँ, वो ध्यान कर रहा है, वो जप कर रहा है, किस चीज के लिए? पाखंड के लिए नहीं, भगवान को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए कि ये आत्मा आया कहाँ से और ये आत्मा मरने के बाद कहाँ जाएगा। जो ये जान लेता है वो आध्यात्मिक हो जाता है, और जो ये जानने का प्रयास करता है वो मार्ग ही अध्यात्म का मार्ग है। अब बात करते हैं भगवद गीता की। तो भगवद गीता में आठवें जो अध्याय है, उस आठवें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये सवाल करते हैं कि ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है। तो श्री कृष्ण उन्हें जो है उनका जवाब देते हैं, वह जवाब भी इस प्रकार है कि जो ब्रह्म है वह ईश्वरीय जिज्ञासा है, और जो आगे अध्यात्म है वह जानने की इच्छा है। सीधी सी बात है, जानने की इच्छा ही जो है वो अध्यात्म है। अध्यात्म ईश्वर या ब्रह्म चर्चा से अलग है, इसीलिए अध्यात्मक का प्रश्न भी अलग है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो अध्यात्म और आध्यात्मिक वाला जो चैप्टर है उसे आप समझ गए होंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में ये भी कहा है कि स्वभावो अध्यात्म उच्यते, अर्थात स्वभाव को अध्यात्म कहा गया है। स्व शब्द बहुत प्यारा है, स्व का अर्थ होता है मैं, स्वयं, मैं खुद।
तो खुद को जानना है दोस्तों अध्यात्म है, बस आप इसे एक शब्द में जान लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि अध्यात्म क्या है इस बारे में आप जो है जान गए होंगे। इस बारे में दोस्तों कभी आप कंफ्यूज मत करना कि अध्यात्म और आध्यात्मिक क्या है। तो फिर से मैं लास्ट में एक बार आपको बता दूं, अगर आप खुद का अध्ययन कर रहे हैं, अगर आप ये जानने के प्रयास कर रहे हैं कि आपकी आत्मा का लक्ष्य क्या है, आप इस धरती पर क्यों आए हैं और आप है कौन, अर्थात ये आत्मा है कौन, तो आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, आप अध्यात्म के मार्ग पर हैं। पूजा पाठ करने वाला, पांच वक्त नमाज पढ़ने वाला या हर संडे को गिरजाघर में कैंडल जलाने वाला ही आध्यात्मिक होगा या है, इसका कोई गारंटी बिल्कुल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो कॉन्सेप्ट है अध्यात्म और आध्यात्मिक का, ये भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।